ये वाला पंजाब वाला है और ये सिंधी है, ये वाले भाई बता रहे हैं कि ये भी जो है ना ब्लैक, ये भी पंजाब की नस्ल है और देसी नस्ल है। 1,70,000 कितने साल का होता है? 1 साल का। कुछ लोग अगले साल कुर्बानी के लिए बेचने के लिए भी लेते हैं। वो वाइट है, वो नीचे बैठी हुई है और ये भी नीचे बैठे हुए, ये दो खड़े हुए हैं, ये पठानी नस्ल कहते हैं जो वाइट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के शुक्र फजल करम से आज की वीडियो करते हैं शुरू। तो आज हम आए हुए हैं मेरे शरीफ उर्स पे, तो 3, 4, 5 मरम उर्स होता है और आज जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये 5 मरम है और जब आप वीडियो देख रहे होंगे उस दिन 6 मरम होगी। तो आज आपको मुख्तलिफ आले क्वालिटी के ऊँट का शौक करवाएँगे, तो कोई गलती कुताही हो जाए, कोई मैं आपको नस्ल वगैरह गलत बता दूँ या कोई, मुझे ज़ाहरी बात है इस चीज़ का तजर्बा नहीं है, मुझे जिस चीज़ का तजर्बा है वो है दुम्बे और बैल। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये माशाल्लाह ऊँट देखें मेरे पीछे, इधर भी खड़े हैं और माशाल्लाह इधर भी खड़े हैं, सब ऊँट ही खड़े हैं। और आपको आज पंजाबी, सिंधी और पठानी नस्ल के ऊँट दिखाते हैं। तो बाकी बालों पे ना जाएं कि बाल बिखरी हुई हैं, तो आप भी शायद ये भी कमेंट करें, लेकिन आप मेरी मेहनत को देखें, सफ़र में तो वैसे ही बाल ख़राब हो ही जाते हैं, तो गलती कुताही हो जाए तो वो आप माफ़ कर देना या कमेंट में आपने बता देना है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ये भी आप माशाल्लाह देख रहे होंगे, ये भी पठानी वाइट नस्ल है, दो वाइट है वो नीचे बैठी हुई हैं और ये भी नीचे बैठे हुए, ये दो खड़े हुए हैं, ये पठानी नस्ल कहते हैं जो वाइट है। ये वाला पंजाब वाला है और ये सिंधी है, ये बलूचिस्तान का नस्ल है, सही हो गया। और इसे पठानी नस्ल भी कहते हैं, या बलूच वो ही पठानी नस्ल होती है ना, सही हो गया। और जो सिंधी है और पंजाब की, ये आपस में मिलनी जुलती नस्ल है, आपस में मतलब कि बहन भाई हैं, ठीक है, सही हो गया। मतलब कि जो चेहरे से पता चलता है कि सिंधी है या पंजाबी है। इनकी डिमांड कितने तक होती है, पैसे कितने तक होते हैं इनके, धोंदे के या चौके के? डिमांड है 5 लाख। ये धोंदा है 5 लाख और इसका ही 5 लाख है जी। और ये जो वाइट होते हैं, सही होगा, पहाड़ी ने उठो, अच्छा पहाड़ी उठे, इसने 6 लाख रुपए और इसने 4.5 लाख की, दो दांत, दो 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 दांत ना, सही हो गए। शुक्रिया भाईजान इन्फॉर्मेशन देने के लिए। ये वाले भाई बता रहे हैं कि ये भी जो है ना ब्लैक, ये भी पंजाब की नस्ल है और देसी नस्ल है, ये माशाल्लाह के, और ये भी धोंदा है। और इसकी क्या डिमांड करते हैं आकर, क्या डिमांड करते हैं, है 6 लाख करते हैं, सही होगा। ये भी धोंदा है ना, और टोडों की ज़्यादातर क्या डिमांड होती है, 1,70,000 कितने साल का होता है, 1 साल का, सही होगा। ऐसे सराइकी ज़बान में टोडा बोलते हैं और जो ऐसे ऊँटनी का बच्चा बोलते हैं, सही होगा। बहुत शुक्रिया जी, ये आप देख लें जी, मज़ीद इनको ना तंग करते हैं। बाकी पंजाब में दो नस्ल होती है, एक ब्लैक और एक जो है लाल, लाल मतलब कि ना बिल्कुल रेड कलर। और जो सिंधी है वो भी इनकी बहन भाई होते हैं, लेकिन उनका जो चेहरा है ना वो उनमें फ़र्क है, जो समझदार है वो ही पहचान सकते हैं भाई सिंधी कौन सी है या पंजाबी कौन सी है। ये भी माशाल्लाह सफ़ेद ऊँट देखें जी, बलूचिस्तानी नस्ल है ना, पठानी, धोंदा है पड़े, धोंदा चौगिन। और क्या डिमांड कर रहे हैं, अच्छा मालिक वो हैं, ठीक है। ये सामने वो पंजाब की नस्ल खड़ी है, या पंजाब की नस्ल है ना, इनमें से सिंधी भी होते हैं ना कुछ, चेहरे से पता चलते हैं पंजाबी है, सही होगा, इनमें सब पंजाबी हैं, देख लें। ओ इसमें ब्लैक भी थोड़ा सा होता है, रेड भी होता है जी, सही होगा। ये फिर आप पहचान लें, मैं आपको शौक करवाता हूँ, ये माशाल्लाह, ये वैसे बेचने के लिए लाए हैं इन्होंने, ये टोडा है जिसे सराइकी ज़बान में टोडा कहते हैं और आप ऊँट का बच्चा भी कह सकते हैं।
ये कौन सी नस्ल है, ये कौन सी नस्ल है, है? ये माशाल्लाह है, ये सफेद वाला पठान वाला होता है, और ये लाल वाला, अच्छा पंजाब का, ये जो लाल है ये पंजाब का, और जो सफ़ेद है ये पठानी उठाते हैं। और स्टडी के क्या डिमांड कर रहे हैं, पैसे क्या मांग रहे हैं? 3 लाख, 3 लाख रुपए मांग रहे हैं। ये ऊँट का बच्चा होता है, ऊँटनी का, ऊँट का नहीं, ऊँटनी का होता है। ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये मुख्तसर सी वीडियो है, मैंने कहा चलो आपको भी दिखा देता हूँ, शौक करवा देता हूँ। ये लाल वाला पंजाब की नस्ल होती है, जो हमारी जो है, ये जो है पठानी नस्ल होती है, जो वाइट होता है, और वो सामने देख रहे हैं, ये पठानी नस्ल है। ये भी माशाल्लाह आप देख रहे होंगे, ये भी पठानी नस्ल है। ये माशाल्लाह ब्लैक देखे, लेकिन ज़्यादातर ब्लैक है ये माशाल्लाह देखे। अच्छा ये वतनी चीज़ है देसी, और ये लाल वाली, अच्छा जी इसे भी देसी होने ने, और ये भी माशाल्लाह देसी नस्ल है। और इसने पैसे कितने मांगने पे हो? इसने 6.5 लाख, ये चौगा ना दोंदा, ये दोंदा है, और 6.5 लाख रुपए मांग रहे हैं। ये माशाल्लाह बहुत से ऊँट आई हुई हैं, ये सामने सफ़ेद है पठानी नस्ल, ये भी आप सामने देख रहे हैं, ये दोंदे हैं, कुछ ऊँटनी हैं, कुछ ऊँट हैं, कुछ पंजाबी हैं, पंजाबी ऊँट हैं, और कुछ अफगानी, मतलब कि जो पठानी नस्ल होती है बलूचिस्तान की, ये वो नस्ल है। ये मेरी थी मुख्तसर सी वीडियो, ये 3 दिन का मेला होता है, और 3 दिन के बाद ये वापस अपने घर चले जाते हैं। ये कुछ लोग शौक के लेते हैं, कुछ नस्ल के लेते हैं, कुछ लोग अगले साल कुर्बानी के लिए बेचने के लिए भी लेते हैं। मैंने अपनी तरफ से आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दी है, शायद कोई रह भी सकती है, क्योंकि मुझे इस चीज़ का तजर्बा नहीं है, जिस चीज़ का तजर्बा होता है वो आदमी सही गाइड कर सकता है। मैंने आपको कोशिश की कि अच्छा गाइड करूँ। ये तकरीबन सब इधर ऊँट खड़े हैं, कुछ उठनी हैं, कुछ टोडे हैं, टोडे सराइकी ज़बान में कहते हैं, और पंजाबी में उसे कहते हैं ऊँटनी का बच्चा। तो अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह के नेकबान।